जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान। जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार, ओम शांति। आपका हमारे शो जिंदगी बने आसान में स्वागत है। दर्शकों, हमने अभी बात करी कि सक्सेस के अंदर टाइम मैनेजमेंट कितनी इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ मैनेजमेंट कितनी इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा शासन है हमारे गोल्स के ऊपर, हमारा जो राज्य हम गोल्स पे करते हैं, या हमारी जो एम है, हमें जहाँ पे पहुँचना है उधर पहुँचने के लिए अनुशासन कितना इम्पॉर्टेंट है, डिसिप्लिन कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल। वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। तो हमने कहीं बातें करी सक्सेस के ऊपर। अब जो डिसिप्लिन है, कई बार हमें लगता है अरे हमें उठना इतने बजे पड़ेगा, हमें इतने बजे सोना पड़ेगा, तो सोच सोच के हम आगे उस पर काम नहीं करते, हम उसको टालते रहते हैं। तो डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है टू बी सक्सेसफुल? उसके बिगड़ तो कुछ होगा ही नहीं। जैसे ना किसको बॉडी बिल्डिंग भी करना है ना, तो वो जिम में जाएगा, एक्सरसाइज करेगा, तो वो भी एक प्रकार से डिसिप्लिन है। हाँ जी, है ना। हाथ को नीचे रखना इजी है, ऊपर रखना मुश्किल है, लेकिन हमको ऊपर करने पड़ेंगे, आपको वेट भी उठाना पड़ेगा, है ना। तो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ डिसिप्लिन। कि नहीं, हम क्या करते कि भी अगेंस्ट जा रहे हैं, जो ऑटोमेटिक हो रहा है उससे विपरीत जा रहे हैं, तभी तो स्ट्रेंथ आती है। हाँ जी, ना। तो ऐसे ही सफलता के लिए भी जो हमें करना है, भी कई एरिया में अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। बल बीच बीच में रिलैक्स करना भी जरूरी है, परंतु सदा के लिए व्यक्ति रिलैक्स रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर डिसिप्लिन की हम बात करें, हम इसको अपने अंदर इनकलकेट कैसे करें? जैसे कई लोग कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं सुबह उठूँ, मैं उठ नहीं पाता। मैं चाहता हूँ कि मैं वक्त पे खाना खाऊँ, मैं खा नहीं पाता। या मैं चाहता हूँ कि मैं वक्त पे अपनी केयर करूँ, मैं कर नहीं पाता। तो उसके लिए हम क्या क्या ऐसे स्टेप्स लें कि हम इस डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी में ला सकें? तो सबसे पहले तो ना शिवानी बेन, क्या करना पड़ेगा कि इसको बहुत मुश्किल नहीं समझो। डिसिप्लिन है ना, मुश्किल लगता है। फिर व्यक्ति सोचता है अरे मुझे सफल तो होना है, लेकिन ये सब झंझट नहीं चाहिए, है ना। कुछ एकदम इजी रास्ता बता दो ताकि मैं सफल हो जाऊं, है ना। तो इसलिए इससे डरो नहीं, इसको डिफिकल्ट नहीं समझो। क्या करो, छोटी छोटी बातों से शुरुआत करो। एक सिंपल सा जैसे अभी खाने की बात है, तो थोड़ा सा ही आप कि फॉर एग्जाम्पल हाफ रोटी कम खाओ, ना। तो वो ज्यादा आपको मुश्किल नहीं लगेगा। उतना भी आपने कर लिया तो आपको थोड़ी देर में लगेगा अरे आधी रोटी कम खा के तो मुझे चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप ये भी सोचते चलो अभी कल से मैं एक रोटी कम खाऊंगा तो भी शायद चल जाएगा मुझे, ना। जिसको कहा गया है टाइनी हैबिट्स, है ना। टाइनी हैबिट्स मैं आपको समझाता हूँ, देयर इज सम अदर मीनिंग आल्सो। लेकिन ऐसे कि भी सेल्फ डिसिप्लिन करना है ना, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ही सोचो कि जो आपके लिए इजी है। सवेरे उठ के एक्सरसाइज में एक घंटा करूंगा ऐसा नहीं, बस मुझे उठ करके 5 मिनट सिर्फ नीचे जाना है। एक बार तो ये भी सोच सकते कि बेड में मैं कुछ एक्सरसाइज कर लूंगा, वो अपने 10 मिनट की, फिर थोड़े दिन के बाद आप नीचे भी जाने लगेंगे। छोटे से शुरुआत करो, फिर आगे चल के आप मुश्किल भी करने लगेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो आप इम्पॉसिबल भी करने लगेंगे। और अब ये टाइनी हैबिट्स का क्या मतलब है? टाइनी हैबिट्स है ना कुछ कंडीशनिंग करने का, उदाहरण के रूप में एक्सरसाइज करनी है कि जब भी मैं वॉशरूम जाऊंगा तो मैं 5 बार सिटअप्स करूंगा। इट्स वेरी इजी, चलो 5 नहीं तो 3 बार। तो ऐसे आपने सोचा आप 5 बार वॉशरूम जाते तो 3-3 बार सिटअप हो गया, 15 बार हो गया, आपको लगेगा अरे तो हुआ। फिर नेक्स्ट टाइम यू कैन गो टू 5 टाइम्स आल्सो।
ये भी कुछ कि जब जब भी मैं कुछ खाना खाऊंगा उससे पहले एक मिनट साइलेंस को ऑब्जर्व करूंगा, एक मिनट साइलेंस ऑब्जर्व करने के बाद ही खाना खाऊंगा. तो इट्स वेरी इजी और आप में एक डिसिप्लिन आ गई, क्योंकि खाना हमें जल्दी जल्दी में नहीं खाना है. हाँ जी. ना, तो दोनों चीजें आपकी लिंक हो गई है ना. सवेरे उठते ही मैं प्रेयर करूंगा सिंपल भी. तो वो भी एक ऐसी सिंपल सी टाइनी हैबिट्स भी आप डेवलप करने लगो तब भी स्टेप बाय स्टेप है ना वो डिसिप्लिन हो जाएगी. फिर मोटिवेट भी करना पड़ेगा अपने आप को. तो अगर जैसे डिसिप्लिन की हम बात करें, अभी मोटिवेशन का ही मैं बात कर रही थी कि अगर मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू करने की कोशिश करी कि आज से मैं एक्सरसाइज करूँगी या मैं आज से लेट्स से ये फॉलो करूँगी डाइट, या लेट्स से कुछ भी कोई भी हम चीज़ लेते हैं कि आज से मैं जल्दी उठूँगी. हम लेट उठते हैं तो कई बार हम अपने आप को प्रॉमिस करते हैं कि नहीं यार आज से तो मैं 5 बजे उठूँगी उठूँगी. सो उसके लिए मोटिवेशन कहाँ से लाएँ? अब है ना ये उसके जो बेनिफिट्स है वो लिखने पड़ेंगे और अपने आप को अंदर में डीप में बिठाने पड़ेंगे कि बेबी जल्दी उठो तो बहुत. जैसे आज मैं 2:30 बजे उठा था, अभी तैयारी करनी थी अपने को, तो लगता है अरे बहुत टाइम है अभी तो. जब तक 5:30 बजे तब तो लगा अरे क्या क्या सब बहुत कुछ हो गया जल्दी उठ गए. तो ऐसे एक बार हुआ ना तो फिर ऐसे आइडिया आ जाते हैं, सवेरे उठने पर हमारे पास बहुत टाइम होता है, हम बहुत कुछ कर लेते हैं ना. तो वो बेनिफिट्स को लिखो कहीं, वो सारे बेनिफिट्स लिखे हुए के तो फायदा होगा. फॉर एग्जांपल वेट लॉस करना है तो ऐसा भी कि भी जब आप दुबले दिखते थे तब लोगों ने क्या क्या प्रेस किया था. अपना खुद का ही कभी का फोटो देखो कि जब आप स्लिम थे और सोचो बस ऐसा बनना ही है, ये कितना अच्छा है. दिस आर द एडवांटेजेस है ना. हेल्थ के बेनिफिट्स तो है ही है, अदरवाइज मेरी सेल्फ एस्टीम भी अच्छी होगी. हाँ जी, हाँ जी. तो भल उसके लिए थोड़ा सहन करना पड़े परंतु मुझे करना ही करना है. और कई बार ये जो डिसिप्लिन हमारी हम गंवा देते हैं ना उसके पीछे भी कुछ लॉजिक होता है. जैसे मैंने स्वयं देखा है कि हम कई बार क्यों खाते हैं, क्योंकि हमको लगता है ना फिर नींद नहीं आएगी. तो ये बहुत सारा खा लेते हैं रात को. नहीं, तो ये सोचने का कि भाई नींद नहीं आई तो फिर से खा सकते हैं, अभी मुझे सोने दो है ना. किचन पास में ही है, अगर बहुत दिक्कत हो गई तो फिर से भी मैं खा सकता हूँ, मुझे ट्राई करने दो सोने दो है ना. बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपको नींद आ जाएगी, खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो इसमें क्या मेडिटेशन भी हेल्प करती है डिसिप्लिन बढ़ाने में? मेडिटेशन से तो क्या होता है कि माइंड पे कंट्रोल आ जाना है, क्योंकि आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, पीसफुल होते हैं, माइंड पर कंट्रोल आता है. माइंड पर कंट्रोल आता है तो ऑटोमेटिकली फिर डिसिप्लिन भी आ जाती है. आपके जो थॉट्स है वो थॉट्स को आप टर्न कर पाते हैं. और मेडिटेशन का बहुत बड़ा फायदा है कि आप एक डिटैच होकर के जो जिसको अंडर करंट कहे ना कि भी डीप में क्या चल रहा है उसको पहचान पाते. जैसे बोलो ना ये खा लिया क्योंकि शायद नींद नहीं आएगी, या तो भी थोड़ा ही ज्यादा सो गए ये सोच के कि बाद में थकावट लगेगी. उससे अच्छा एक बार उठ जाओ, बाद में थकावट लगी तो कहीं हम 2 मिनट नींद भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु एक बार तो मुझे उठने दो. तो ये जो एक प्री कॉन्शियस में जो थॉट्स चल रहे हैं वो थॉट्स को जानने में मेडिटेशन बहुत ही मदद करता है. पर हम पीसफुल होते भरपूर होते हैं ना तो फिर फालतू चीजें जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, जो डिस्टर्ब करती है. पिछले एपिसोड में भी आपने कहा था कि किसने कुछ बोल दिया और आप डिस्टर्ब हो गए, फिर एनर्जी नहीं रही, वो सब नहीं होगा. क्योंकि आप ही अंदर से कंटेंटेड पीसफुल है, किसने कुछ बोला तो भी आप पर उसकी इफेक्ट नहीं होगी. आई थिंक कई बार होता ही है कि जैसे हम कहें कि हाँ हम मोटिवेटेड भी हैं, हमें लगता है कि हम करेंगे भी, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर वो इंटरनली हम इतने स्ट्रांग नहीं होते उस चीज़ को करने के लिए.
तो मेरे ख्याल से तब हम अपने आप को, जैसे आपने बताया था, पॉजिटिव एफर्मेशंस दे सकते हैं कि या तो नहीं, हम डिटरमाइंड नहीं होते हैं, हाँ ठीक है ना, वो डिटरमिन भी डिटरमाइंड होना चाहिए नहीं। कि भी ये चीज तो मुझे हासिल करनी ही है और ये हासिल करने से मुझे ये प्राप्तियां होने वाली है ना। और वो इम्पोर्टेंट, जैसे आगे भी मैंने मल्खा सिंह का उदाहरण हाँ दिया था, हाँ कहते और एक बार वो बहुत दौड़ा था, कहते थे उसमें उसके पीछे उसका गोल था कि मुझे इंडिया का टी शर्ट पहनना है, क्योंकि वो गया और शायद आगे कुछ गेम्स में आगे बढ़ा तभी वो टी शर्ट मिलेगा। तो दैट वाज अ बिग मोटिवेशन कि भाई इस लेवल तक मैं नहीं पहुंचा तो मुझे टी शर्ट नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे मोटिवेशन हो सकते हैं। हाँ, और उसमें फिर वो डरना नहीं है कि मैं कितनी थकावट होगी ना, कहाँ पर समस्या होगी, भूख लगेगी, है ना, पेन होगा, लेकिन जब वो प्राप्ति होगी ना तो पेन सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो प्राप्ति इतनी हाँ, होगी। अल्टीमेट प्राप्ति बहुत बड़ी होने वाली है। अच्छा, अगर हमने कोई चीज़ स्टार्ट कर दी, जैसे कि मैंने सोचा कि सुबह उठेंगे, उठना शुरू कर दिया, 5 दिन उठे, अब 6ठे दिन मोटिवेशन नहीं रहती, मतलब वो काम बीच में हम छोड़ देते हैं। करते तो हैं स्टार्ट, लेकिन 10 दिन किया, 12 दिन किया, फिर 12वें दिन हमें लगता है कि नहीं, अब नहीं मन कर रहा, ठीक है ऐसे ही रहने दो। तो उस चीज़ को हम कंसिस्टेंसी कैसे रखें? उसके पीछे कारण है बहन के, है ना, हम रीइन्फोर्स नहीं करते कि जैसे आप एक दिन उठे ना फिर अच्छा फील कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा आज मैं उठा तो आई रियली फेल्ट गुड, कि भी तो रोज हमें करना चाहिए, फिर चाहे तो थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, इतना जल्दी उठ गए तो फिर शायद पूरा दिन हम नहीं खींच सकते, हम थोड़ा सा फिर रेस्ट कर ले चाहे तो, परंतु 2-3 घंटे तो बहुत यूजफुल है। वो अगर रीइन्फोर्स करे ना तो कल भी इजी हो गया, फिर कल फिर से किया, फिर से रीइन्फोर्स किया कि अरे वंडरफुल, ये प्राप्ति हुई, अच्छा हुआ, और हम करेंगे ना ऐसे। फॉर एग्जाम्पल कि वेट लॉस की बात है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे आप चेक करो कि जिसमें ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स का डिफरेंस भी आपको मालूम पड़ेगा, अगर सेम टाइम पे अर्ली मॉर्निंग स्नान आदि करके आप चेक करो तो अगर आपका 100 ग्राम भी कम हुआ तो यू विल फील गुड। और अंदर में डालो कि एफर्ट की मेरा 100 ग्राम्स भी तो कम हुआ है, कल मुझे और करना है। ऐसे 100 ग्राम्स भी कम होता गया तो महीने में 3 किलो कम हो जाएगा, विच इज अ वेरी गुड अचीवमेंट। और अगर हमें, जैसे मोटिवेशन है, सब है, कई बार लोग कहते हैं कि एक्सक्यूजेस, जो कि बहुत बड़ी चीज़ होती है, कई बार लोग कहते हैं अरे मेरे आज पैर में दर्द हो गई, आज नहीं कर सकते, आज हेडेक हो रही, आज नहीं कर सकते, आज तो मुझे वहाँ जाना था, अरे पहले मैं वो काम कर लेता हूँ। तो इस चीज़ को मैनेज कैसे करें, जो हम अपने आप को ये जो छोटी छोटी एक्सक्यूजेस देते हैं कि ये इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आज ये करना था, अगर ये कर नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर हम वो रूटीन से बाहर आ जाते हैं। तो ये एक्सक्यूजेस कैसे हम अपनी लाइफ नहीं, में वो हटाएं? सबकॉन्शियस के एक्सक्यूज है ना, उसी को सारा जो प्रॉब्लम है यहीं पर है कि ये जो हमारा डीप माइंड एक्सक्यूजेस ढूंढता है उसी को हमें एक जागृत होकर के समझना है ना, कि यही मेरे बैरियर्स है, कि वो बैरियर्स को मैं जानूंगा। और वो जो एक्सक्यूज ऐसे है कि ये थोड़े लुभावने हैं, हमको ना लॉजिकल लगते हैं, परंतु नहीं, बस मेरा जो भी वो गोल है यहाँ वहां कहीं नहीं देखना है, मुझे तो बस वो गोल के ऊपर ही देखना है ना। तो फिर वो एक्सक्यूज आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आ भी गए, फॉर एग्जाम्पल भी एक्सक्यूज आया भी कि भी पैरों में दर्द हो रहा है, तो ये भी याद करो कि भी कभी मैं दौड़ा था ना तो पैरों का दर्द तो चला गया था फिर, है ना। तो आई अभी थिंक अभी मुझे भूख लग रही है हाँ सपोज, तो हाँ मैं कुछ खा लूं, तो याद करो कि जब मैं कंटिन्यूअस रहा था, मैंने नहीं खाया था, भले थोड़ी देर दिक्कत हुई थी लेकिन फिर तो भूख चली गई थी, तो आज भी नहीं खाना है। हो सकता है वो टेम्पररी हमें थोड़ा फाइट करना पड़े माइंड से, लेकिन हाँ वो हाँ एंड रिजल्ट विल बी गुड। हाँ लेकिन कुछ ऐसा पास्ट का एक्सपीरियंस आप याद करेंगे, है ना, और सपोज पास्ट का एक्सपीरियंस नहीं है तो एंड रिजल्ट को याद करो हाँ, कि आगे कि अभी एक्चुअली में हाँ क्या हाँ होगा। अल्टीमेटली फॉर एग्जाम्पल मुझे ये प्राप्ति होगी, भी ये मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, या तो मेरा वेट कम हो जाएगा,
है ना, मुझे और कुछ बेनिफिट होगा, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो मुझे करना ही करना है। तो आई थिंक अगर हम ये डिसिप्लिन की बात करें, सेल्फ मैनेजमेंट इसमें क्या रोल प्ले करती है डिसिप्लिन में? अल्टीमेटली इट इज अ सेल्फ मैनेजमेंट रियली। और सेल्फ को अगर हम कहें तो जो तीन शक्तियां पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि मन, बुद्धि और संस्कार, है हाँ ना, जी, वो तीनों को हमें मैनेज करना है। हाँ जी। अभी मन को कैसे मैनेज करेंगे? प्यार से मैनेज कर सकते हैं मन को, है ना। दूसरा, एक मन को मैनेज करने का अच्छा तरीका है साक्षी का भाव, एक डिटैच होकर के देखो अंदर में जो भी चल रहा है चलने दो, मुझे उसको रिस्पॉन्स नहीं देना है, तुमको जो करना हो करो, मैं कुछ नहीं करने वाला। जैसे एक छोटा बच्चा है ना, बहुत शरारत कर रहा है, अगर आप उसको रिस्पॉन्स देंगे तो ज्यादा शरारत करेगा, लेकिन आप रिस्पॉन्स नहीं दो, डिटैच हो जाओ, तो थोड़ी देर में वो बंद कर देगा। तो मन का भी ऐसा ही है, आप डिटैच हो जाएंगे तो वो स्टॉप कर देगा। या हो सकता है प्यार से समझाओ, फिर बुद्धि को तर्क चाहिए ना, तो उसको जहां पर भी लॉजिक हम दे सकते हैं वो अच्छा सा लॉजिक ढूंढ करके दे, और लॉजिक अच्छा तो लिखो, जिसे कहते हैं ना कि लीडर्स आर रीडर्स, इसे कहेंगे ना, लीडर्स आर राइटर्स, सक्सेसफुल पीपल आर राइटर्स। तो वो लिखने की आदत जरूर डालो कि ये होना है, तो आपके पास लिखा हुआ होगा। और फिर जो संस्कार है उस पर थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ती है, ये जो डिसिप्लिन की बात आई उस पर जबरदस्ती करनी पड़ती है। और संस्कार की इफेक्ट है ना इमोशंस से भी होती है, ये कहे ना पावरफुल इमोशंस, तो करना ही है, करना ही है, करना ही है। तो अगर वो इमोशंस भी आपके होंगे ना, तब भी थोड़ी ऊर्जा आएगी और आप उसको करेंगे एक्चुअली। आई थिंक हमें वैसे थॉट्स पहले तो जनरेट करने पड़ेंगे, और थॉट्स अगर जनरेट होंगे वो हैबिट में हमारे आएंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर वो एक लाइफस्टाइल हमारा बन जाता है। और डिटैच भी, जैसे आप थॉट बोलते हैं ना, तभी मुझे याद आया कि और एक सेल्फ मैनेजमेंट का तरीका है कि अपने आप से डिटैच हो जाओ, सी योर सेल्फ एज अ डिफरेंट पर्सन। जब आप अपने आप को डिफरेंट देखते हैं ना, तो आपको ही अपनी चीजें बड़ी है ना, क्या बच्चे जैसे लगती है, क्या है। कई बार मैंने दूसरों की मिस्टेक इजीली निकालते हैं। आप देख रहे हैं, अब ये क्रिकेट चल रहा है ना, तो स्टेडियम में बैठे बैठे लोग बहुत कुछ डायरेक्शन देते कि इसको ऐसा करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, बिकॉज वो ध्यान डिटैच। खुद अगर वहां जाए तो आउट हो जाएगा वो व्यक्ति। तो हम डिटैच होंगे तो अपने आप को ही देख पाएंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू एक्ट अकॉर्डिंगली। तो आई थिंक डिसिप्लिन हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टू बी सक्सेसफुल, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं है तो हम कोई भी चीज़ वक्त पे नहीं करेंगे, सेल्फ मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी। और दूसरा तो डिसिप्लिन क्यों पता है? क्योंकि सक्सेस के लिए ना आपको सब कुछ करना चाहिए, नहीं तो यू आर नॉट सक्सेसफुल। खाली पैसा कमा लिया वो सक्सेस नहीं है, यू शुड डू एवरीथिंग। तो उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन होगा ना, तो आपके लिए सब चीज के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम बचेगा। तो हमने जैसे डिसिप्लिन की बात करी, अब जैसे हमने मेडिटेशन की भी बात करी, अब मेडिटेशन अगर करते हैं तो हम एक कॉन्सेंट्रेटेड थिंकिंग रख सकते हैं, थॉट्स कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेडिटेशन की ऐसी क्या टेक्निक्स हैं जो हम अप्लाई करें ताकि हम इस डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में और बढ़ा सकें? मेडिटेशन तो इज मेडिटेशन एज सच, लेकिन जो आपका प्रश्न है वहाँ ये मैं कुछ नया बता सकता हूँ कि अगर सेल्फ डिसिप्लिन को लाना है किसी को, तो वह मेडिटेशन में क्या करे, या तो क्या एफर्मेशंस दे कि जिससे है ना उसमें सेल्फ डिसिप्लिन आए, जिसमें मैं एक बात आमतौर पर बताता हूँ कि जिसको कहा है कि बी सेल्फ टॉक, इट्स नॉट दैट वे मेडिटेशन, इट्स अ टाइप ऑफ अ सेल्फ टॉक। फॉर एग्जाम्पल कि भी अगर मुझे करना है ना, तो मैं अपने नाम से करूंगा, तो किसी भी दर्शक को करना है उनके नाम से वो करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि भी जो व्यक्ति को करना है उसका नाम महेश है, हाँ जी, तो वह अपने नाम से थोड़ा रिलैक्स होकर के बैठे, है ना, डिटैच होकर के देखे कि अंदर में क्या थॉट्स चल रहे, ना अपने आप को सेपरेट करे कि थॉट्स आर डिफरेंट, ना आई एम डिफरेंट एज इफ, और फिर वो सेल्फ टॉक करे कि महेश
ये ठीक से समझो। जितना तुम सवेरे जल्दी उठोगे उतना ही तुम बहुत काम कर सकते हो। महेश, भल सवेरे उठने में थोड़ी सी दिक्कत होती है परंतु फिर तुमको बहुत टाइम मिलता है, फिर तुम बहुत काम कर सकते हो। फिर उल्टा वो काम पूरा हो जाए फिर तुमको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए महेश, ये अच्छे से समझ जाओ कि तुमको भल शुरू में थोड़ा सा फोर्स करना पड़े परंतु कल से तुम रोज सवेरे महेश उठने ही वाले हो और उसके बाद का बेनिफिट तुमको तुरंत याद आएगा कि वो टाइम में मैं तुम क्या क्या कर पाओगे। इसलिए जैसे ही समय आएगा उस समय तुम एकदम सजग हो जाओगे, सवेरे उठ जाओगे और जो काम आपने निश्चित किया है उसमें लग जाओगे। महेश, तुम्हें पक्का करने वाले हो, 100%। यस 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 महेश, तुम्हें करने वाले हो, करने वाले हो, करने वाले हो। ऐसा कुछ, दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल। अपना नाम देकर के जो बात भी आपको बोलनी है, ये हो सकता है कि भी खाना आपको कम करना है, तो वह बात बताओ अपने आप को। और एक बार अगर वो रजिस्टर हो गई ना डीप कॉन्शियसनेस में तो फिर ऑटोमेटिकली होगी। ये आई थिंक एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अगर हम सेल्फ टॉक करें वो भी बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। आंखें बंद करके थोड़ा डिटैच होकर के सेल्फ टॉक करें। आई थिंक डिसिप्लिन रखना अपने में ही एक बहुत जरूरी चीज है। तो मेरे ख्याल से आज दर्शकों को भी बहुत फायदा हुआ होगा ये समझ के कि डिसिप्लिन हम कैसे ला सकते हैं, अगर नहीं है तो भी हम कुछ स्टेप्स ऐसे करें कि हम ले आए। थैंक यू सो मच। थैंक्स। ओम शांति। सो दर्शकों, आज हमने बात करी सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर कि वो कितना ज़रूरी है कि हम आगे एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकें। हमारे साथ बने रहिए और ऐसे कुछ टॉपिक्स के ऊपर हम चर्चा करते रहेंगे। ओम शांति। जिंदगी की राह में कहीं खो गया इंसान, मंजिले मिल जाएंगी जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद, होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी ओ चेहरों पर मुस्कान, ओ चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज, गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487।